हेलो गर्ल, फोर्थ को मैंने आई टॉट यू असेसमेंट वन, उसके मैंने आपको क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन करवाए. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स. सो नंबर वन है आपका, ये वी ऑलरेडी डन इट, हम ये वी हैव ऑलरेडी डन इट, ये हम कर चुके हैं. ये पूरे सारे लेसन के इकट्ठे होकर हम असेसमेंट वन में कर रहे हैं. तो नंबर वन है आपका, द कैरेट वर द ग्राउंड. तो हमको उसमें लिखना है अंडर. कैरेट कहाँ उगती है? अंडर द ग्राउंड. नेक्स्ट वन है बबली वॉस. बबली क्या खाता था? कैरेट इन द गार्डन. तो हमने यहाँ पे ईटिंग लिखा है, EATING, ईटिंग. नेक्स्ट वन है पीपल यूज टू एंजॉय इन द रिवर. पीपल क्या एंजॉय कर रहे थे? बाथिंग, बोटिंग, BOATING, बोटिंग. क्योंकि वहां पे बाथिंग नहीं हो रही थी, वो लोग बोटिंग कर रहे थे, रिवर में बोटिंग कर रहे थे और वो बोटिंग को एंजॉय कर रहे थे. फिर सोनू, सोनू सिंगल पर्सन है इसलिए यू शुड राइट हैज अ बॉल. नेक्स्ट वी, वी आर प्यूरल सो वी हैव मेनी टॉयज. शी इज अ सिंगुलर पर्सन सो वी राइट हियर हैज. शी हैज वन ब्रदर एंड सिस्टर. नाउ टिक द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, देयर आर सेंटेंसेस. तो इसमें जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, दैट इज सेंटेंसेस, इसलिए हम इनको टिक करेंगे. तो द फार्मर इज कमिंग, इसको टिक करना है. वी ईट कैरेट्स, इसको टिक करेंगे. देयर इज अ रेबिट इन द गार्डन, इसको टिक करेंगे. कैरेट्स इन द बास्केट, इसको भी टिक करेंगे. लुक एट द हाउस, इसको भी टिक करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं, इसलिए हमने इन सबको टिक करना है. सिर्फ इसमें एक एक दो ही हैं, इसलिए हमने इसको टिक नहीं किया है. तो आपको समझ में आ रहा है? आपको मैं साथ के साथ इसकी PDF भी भेजती हूँ, तो आपको सब करने को इजी हो जाएगा. और वी ऑलरेडी वी हैड इट, इसको हम कर चुके हैं गर्ल्स, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये हमारे जो लास्ट प्रीवियस हमने 6 लेसन किए हैं, उसी में से है, उसी का पार्ट्स हैं. ओके, फिर नेक्स्ट है, इसको जंबल वर्ड्स बोलते हैं. जंबल वर्ड्स मतलब वो स्पेल को घुमा फिरा के लिखते हैं और आपको सही स्पेल लिखनी है. तो ये DEIH लिखा है, आपको उसकी जगह लिखना है हाइड, HIDE, हाइड. फिर ये जो लिखा है NGDARE, अब इसको लिखना है गार्डन. ये कुछ ऐसी स्पेलिंग नहीं होती है, ये गार्डन है. अब इन इन सेंटेंस में इज एम आर का यूज करना है. तो जो सिंगुलर होता है उसमें इज करते हैं, और जो प्यूरल होता है उसको आर करते हैं, और आई के साथ यू ऑलवेज यूज एम. तो इस तरह से हमको ये यूज करना है. और फिर ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. तो ये रमन वाली जो अपन ने लेसन पढ़ा है उसका है, ही वॉज क्राइंग हेल्प. वो हेल्प हेल्प के लिए चिल्लाता है. रमन जम्प डाउन फ्रॉम द ब्रिज. तो वो रमन कहाँ से जंप करता है? ब्रिज के ऊपर से जंप करता है. फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द कॉलम. तो पेन के साथ आपको आता है पेपर, की के साथ ऑलवेज लॉक, गिव के साथ टेक, रॉस के साथ एक्सलेंट, और न्यू के साथ ओल्ड. पेन यानी पेन और पेपर. पेन के साथ कभी लॉक नहीं आ सकता, पेन के साथ ऑलवेज पेपर आएगा. की के साथ ऑलवेज लॉक होगा क्योंकि ताला एंड चाबी होता है. यदि हम किसी से लेते हैं तो देते हैं, तो गिव एंड टेक हो गया. नया है तो पुराना भी होगा, दैट्स वाई न्यू एंड ओल्ड. और रॉस यानी बहुत वीक होते हैं जो, और जो एक्सलेंट जो बहुत बढ़िया करते हैं वो. तो दैट इज ऑल अबाउट द असेसमेंट वन. आई ऑलरेडी सेंड यू, मैं भेज रही हूँ, आई एम ऑलरेडी सेंडिंग यू अ PDF ऑल्सो. सो आप, यदि आपके पास बुक है तो प्लीज आप बुक में कीजिए, अदरवाइज आप इसको कॉपी में कीजिए. कौन सी कॉपी में करनी है गर्ल्स? हमारी इंग्लिश की ही कॉपी में करनी है. ओके गर्ल्स.